टायर ओपन करेंगे, दो टाटा एस के हैं और एक ये चैंपियन का टायर है। ये तीनों टायर ज़्यादा हार्ड खुलते हैं, इसको खोलने का उनका बता रहे हैं, ऐसे ही इसको लूज करने का। दोनों तरफ से लूज करते रहेगा, ये सूखा टायर है। इन छोटे टायरों में ज़्यादा ताकत लगती है खोलने में, मेहनत ज़्यादा हो जाती है छोटे टायरों में। इनको खोलने के लिए हम लोग बड़ा टालीवर यूज करते हैं, इससे हमें कम ताकत लगानी पड़ती है, बड़ा होने की वजह से कम ताकत लगती है। पानी डाल देंगे आसानी से, ये है चैंपियन का टायर। एक ये चैंपियन का टायर और एक ब्लोरो का टायर, ये बहुत हार्ड खुलते हैं। छोटा टायर है, इसमें ताकत लगाते नहीं है। धूप निकालने में ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है क्योंकि धूप चिपक जाती है। ये लंगोट के साथ थे, इसमें लंगोट जरूरी होता है डालना। साइड से खड़ा करके पटक पटक को निकालेंगे तो आसानी से निकल जाता है। इसमें भी देखो, पुराने टायरों में यही दिक्कत है कि पैतावा लंगोट ज़्यादा लगाते हैं लोग। इसके अंदर ये जो लंगोट है इसलिए लगाया जाता है कि ये जो टायर की किनारी है इससे यहाँ पे पंचर हो जाता है, इस वजह से इस पैतावे को लगाना पड़ता है। चलो, इसमें पंचर यहाँ मिला, इसमें पंचर यहाँ मिला। टूपों के अंदर ये रबर जरूर लगाना नलकी के बाद, मैं लगभग सभी की नलकियों में ये रबर जरूर लगा देता हूँ। नहीं जरूरी है ये वाला, ये पैतावा अच्छे से चढ़ा देने का, नहीं तो पैतावा अंदर जब होल्ड हो जाता है तो उससे भी पंचर होने लगता है।
बाकी तो कोई दिक्कत थी नहीं ना उसमें पैर में। भाई कीड़े लगी थी भाई के। दबाते रहने का तभी तो आगे का नहीं होता है, इधर ऐसे दबाने का। चाली बार से इसको ऐसे ठोक देने का, इससे आपका जो अंदर कवर लगा हुआ है वो भी सेट हो जाएगी, टायर भी ये किनारी सही से अपनी जगह आ जाएगी, हवा भरने में आसानी से टायर सेट हो जाएगा अपनी जगह। इसमें ज़्यादा नहीं हवा भरेंगे, इस टायर में ज़्यादा ज़्यादा 80 भर देते हैं हवा। हाँ हाँ तो भी हल्का टायर है, 80 ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी, 70 ही कर देते हैं, 70 ही रखो, 70 हवा भर दे रहे हैं। टायर की स्थिति ज़्यादा नहीं चाहिए, टायर को देखते हुए स्थिति ज़्यादा ही नहीं चाहिए। इसी प्रकार चेक करेंगे, ऐसे ही करना है, ये बिना लगाए दो साल के ही सेट करना है। पैर की ऐसे चोट देते रहने का, जिससे इधर का हिस्सा ये लूज होता है। मैं भी 70 ही हवा भर देते हैं। चलो रुक जाओ, इसका हम लंगोट बना देंगे सूट का, पुरानी वाली का। और नलकी को यहाँ से ऐसा काटेंगे कि थोड़ा नलकी को सपोर्ट भी मिल जाए जब इसमें हम दूसरा ट्यूब लगाए तो। और इधर से इसको काटना है, इधर से काटने से ये जमीन के साइड का हिस्सा सपोर्ट करेगा और ये रिम के साइड का हिस्सा सपोर्ट करेगा बीच में से। और कट इसकी कटिंग थोड़ी तिरछी करनी है, ऐसे सीधी कटिंग नहीं करनी है, तिरछी कटिंग करनी है। अगर तिरछी कटिंग नहीं काटेंगे तो ये चींटी मार देगा ट्यूब में। ये तिरछी कटिंग करने से चींटी नहीं मारेगा। हाँ, इसको बीच में ऐसे लगा देंगे, ये नलकी का सपोर्ट करेगा। अब ये देखो पैक हो गया पूरा ट्यूब, फुल कवर ट्यूब का हो गया। इसके अंदर इस चैंपियन के टायर में हाथ नहीं जाता जल्दी, इतना हार्ड होता है। पहले कपड़ा मार के चेक कर लो, फिर यहाँ लकड़ी का गुटका भी लगा के चेक करना जरूरी है, कहीं कट वट तो नहीं है। ऐसे गुटका लगा के चेक करने का कि अंदर कोई सुराख उराख तो नहीं, कुछ कील उल तो नहीं है। और गुटके में ऐसी ग्रिप होनी चाहिए टेढ़ी, जो टायरों में ऐसे रिम में और इधर टायर में फंस जाए, ऐसे बनना चाहिए। आमने सामने लगा के दो बार बस इसको चेक कर लो और कपड़ा मारो। ये इतना हार्ड होता है टायर, ठीक थोड़ा टाइम लगता है लेकिन इसे सही से चेक करना चाहिए इस टायर को।
इस वाले ट्यूब को अंदर करने में थोड़ी ज़्यादा ही परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि डबल ट्यूब हो गई ना, डबल नहीं लगाओगे तो किनारे से पंचर हो जाएगा। और ट्यूब को सही से लगाना, नहीं तो अंदर फोल्ड हो जाएगी ट्यूब, तो फिर नुकसान हो जाएगा। इसको ऐसे उठाने पर जो ट्यूब अंदर लंगूट होती है वो खुल जाता है, और उसके साइड उसे ऐसे काफी वर्ष ठोक दो। वही प्रोसीजर है जो और टायरों को फिट किया जाता है, बस इधर से इसको दबाते जाओ, इधर से इसको चढ़ाते जाओ। इसमें 100 पॉइंट हवा भरेंगे, इसकी लिमिट वैसे 120 तक की है इस टायर की। ये छोटा टायर है लेकिन ये बहुत पावरफुल टायर होता है। ये 8 प्लाई का टायर था। इस टायर को, चैंपियन के टायर को, बोलेरो के टायर को, टाटा एस के टायर को, जो भी खोलता है उसी को कहते हैं उस्ताद बन गया, पंचर बन वाला बन गया, सही से कारीगर अच्छा हो गया। जो उसको नहीं खोल पाता उसको कहते हैं कि कारीगर नहीं हो पाया है। इसमें 100 पॉइंट हवा भर दी है, देख रहे हो आवाज इसकी। वीडियो कैसी लगी? जय हिंद।